हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे ही एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम अपडेट के साथ आई हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कोविड सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट हो रहा है और एग्ज़ाम एक ये बड़ा क्वेश्चन हो चुका है कि आपकी जो एग्ज़ाम है कब होंगे, किस तरह से होंगे, ये क्वेश्चन और ये डाउट सभी के माइंड में है। तो आज के वीडियो में हम ये डाउट को क्लियर करेंगे। सो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, जिससे आपको कंप्लीट और राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसने 10 के बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और जो 12 के बोर्ड एग्ज़ाम है उनको पोस्टपोन किया है। तो अभी देखते हैं कि कौन से स्टेट ने जो 10 के बोर्ड एग्ज़ाम से उनको कैंसिल किया है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, पंजाब बोर्ड ने एग्ज़ाम 10 के कैंसिल किए, हरियाणा बोर्ड ने कैंसिल किया है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कैंसिल किया है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी ने स्टेट के जो 10 बोर्ड के एग्ज़ाम से उनको कैंसिल कर दिया है और जो 12th एग्ज़ाम है उनको पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी सवाल उठता है स्टूडेंट्स के, व्हाट अबाउट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, जो 10 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उनकी एग्ज़ाम्स का क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो अगर हम देखेंगे आज के ही अपडेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे CISCE कैंसिल ICSE क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम एंड क्लास 11 टू बिकम ऑनलाइन एट अर्लियर्स रिजल्ट लेटर। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ICSE क्लास 10 के जो बोर्ड एग्ज़ाम से वो कैंसिल कर दिए गए हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट कि CBSE ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि जो 10 के बोर्ड एग्ज़ाम से वो कैंसिल किए जाएंगे। फिर उनके बीच में कंपैरिजन हुआ कि क्या करना है आगे, तो बहुत सारे डिस्कशंस कंडक्ट किए गए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि जो 12 के एग्ज़ाम से वो लेटर पोस्टपोन किए जाएंगे और वो आगे किए जाएंगे, उसके बारे में अपडेट आता रहेगा। आगे हम देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया, तो यहाँ पे कोविड जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स आर द मोस्ट प्रायोरिटी। जैसे हमने पहले भी कहा था स्टूडेंट्स के, आपकी सुरक्षा वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सोच के जो CBSE बोर्ड है उन्होंने तो 10 के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया और अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि जो ICSE जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं। और वैसा कहने क्यों आ रहा है कि जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे, बट डिसीजन अभी भी पेंडिंग में है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ अवर स्टूडेंट्स एंड टीचिंग फैकल्टी इज़ अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा, आपकी सुरक्षा वो हमारी जिम्मेदारी है, तो स्टूडेंट्स आर द मोस्ट प्रायोरिटी। तो बहुत सारा डिस्कशन किया गया, एक्सपर्ट कमेटी सेटअप किया गया। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ICSE के तो एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, तो यू कैन से इंटरनेशनल बोर्ड्स लाइक CBSE, ICSE, IB, कैम्ब्रिज एक्सेट्रा हैव कैंसल दैट बोर्ड एग्ज़ाम एंड दिस माइट हैव टेकन एडवाइस फ्रॉम ऑल एक्सपर्ट्स। सो नाउ वॉट अबाउट द स्टेट बोर्ड, दिस क्वेश्चन अराइज। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि ये तो कैंसिल हो चुका है, बट अभी हम अंदाज लगा सकते हैं स्टूडेंट्स कि अभी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है जो 10th स्टैंडर्ड के, उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल होने का चांस ज़्यादा बढ़ गया है स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पे अभी आप मंजिल से आप थोड़े ही दूर हो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, उन्होंने एग्ज़ाम्स 10 के कैंसिल कर दिए, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए स्टूडेंट्स, और जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी कंटिन्यू रखनी है, आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टूडेंट कैंसिल किसी बोर्ड ने नहीं किया है, अभी तक पोस्टपोन्ड हुआ है। सो आप बने रहिए चैनल पे, जैसे अपडेट आता है वैसे मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करती रहूँगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड इवन यू कैन फॉलो ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक यू।